अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वृद्ध महिला को उतारा मौत के घाट। पहनी हुई रकम लूटी, किया पुलिस ने खुलासा। मंदसौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों आरोपियों ने वृद्ध महिला को मौत के घाट उतार दिया और लूटी हुई रकम भी पुलिस ने दोनों आरोपियों से बरामद कर ली है। अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कमलपुरा में एक कच्चे मकान में वृद्ध महिला की लाश की सूचना पुलिस को मिली। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू की। पुलिस को पता लगा कि वृद्ध महिला रामीबाई पति स्वर्गीय अमरा भील उम्र 75 साल है, जिसके बाद पुलिस ने आसपास पूछताछ की और मुखबिर तंत्रों को मजबूत किया तो पता लगा कि रस्सी से फंदा लगाकर गला घोटकर दोनों लोगों ने उसे मौत के घाट उतारा है और नाक और खान से खून निकल रहा था और दाहिने हाथ की कलाई पर रगड़ की चोट के निशान भी नजर आए हैं। फिर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसके बाद पुलिस ने वृद्ध महिला के पोते पप्पूलाल पिता मांगीलाल भील से पूछताछ की तो उसने बताया कि दादी अकेली रहती थी और उनके पैरों में 500 ग्राम के चांदी के कड़े थे और 50 ग्राम की चांदी की चेन पहन रखी थी। उसको लूटकर दोनों युवक चले गए। उसके बाद पुलिस ने आरोपी नागेश्वर उर्फ नागेश पिता स्वर्गीय भोलानाथ उम्र 25 साल निवासी ग्राम कमलपुरा, सुनील पिता हंसराज भील उम्र 23 साल से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या करना कबूल की और बताया कि प्रेमिका को गिफ्ट देना था, पैसे का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा था, इसलिए वृद्ध महिला को मौत के घाट उतार दिया और पहनी हुई रकम लूट ली और ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि प्रेमिका का क्या रोल है, इस बारे में भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दो लोगों के खिलाफ हत्या का मामला अफजलपुर पुलिस ने दर्ज किया है। यह कार्रवाई में अफजलपुर थाना प्रभारी समरस सिन्हम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग हैंडल टीम, मंदसौर FSL अधिकारी श्री अतुल मित्तल एवं अन्य अधिकारी जवान की अहम भूमिका रही। यह खुलासा मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कंट्रोल रूम पर किया और 12 घंटे में यह हत्या का खुलासा किया गया है। 13 दिसंबर को डायल 100 पर पॉइंट आया था कि थाना अफजलपुर के कमालपुरा गांव में एक 75 वर्षीय महिला रामीबाई भील, वो मृत अवस्था में अपने ही घर में पड़ी हुई है। तो इसी पॉइंट की तस्दीक के लिए थाना प्रभारी और SDOP साहब और एडिशनल साहब मौके पर गए तो मौके पर जाने पर ये पाया कि महिला की मृत्यु रस्सी से गला घोंटकर कर दी गई है और साथ ही साथ महिला के जो आभूषण थे, जो पाँव में पहने हुए कड़े और गले में पहनी हुई चेन, वो भी मिसिंग है। तो इससे ये क्लियर हो गया था कि जिस भी व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है वो महिलाओं के आभूषण यानी कि पैसे की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इसने ये घटना को अंजाम दिया है। मौके जो मौका मुआयना था उसकी तस्दीक करने के बाद और गांव में घटना दिनांक से जो लोगों की गतिविधियां संदिग्ध हैं उनकी तस्दीक करना शुरू की गई। दो लोगों को राउंड अप किया गया, नागेश्वर नाथ और सुनील भील, दोनों से ही जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया। नागेश्वर ने बताया कि उसकी प्रेमिका है जो कि पास के गाँव के रहने वाली है, उसको कुछ उपहार देने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। चूँकि रामीबाई भील अकेली वृद्ध महिला थी तो उसके इजी टारगेट पे थी और 3-4 दिनों से वो प्लानिंग में था सुनील के साथ कि उसको मौत के घाट उतार कर उसके जो चांदी का आभूषण है उनको बेचकर उसको उपहार देगा। पुलिस की तत्परता के कारण वो आभूषण बेच नहीं पाया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और साथ ही साथ जो आभूषण थे वो भी रिकवर कर लिए गए हैं। इसमें पूरी थाना अफजलपुर की टीम, SDOP साहब और एडिशनल साहब ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी सभी को। कोई पुराने अपराध भी सर, उसके बारे में तस्दीक की जा रही है, अभी हमारे यहाँ कोई आपराधिक रिकॉर्ड उस बारे में भी अभी पूछताछ की जाएगी। इसमें अग्रिम पूछताछ, उसमें अभी तक कोई प्रथम दृष्टया का कोई रोल अपराध संबंधी निकल के नहीं है।